भारत के नेता गलने नहीं दिया जो भी बम विस्फोट करने वाले थे, लेकिन जब घुसपैठी 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 शब्द बार बार इंजन वाले मामू इस्तेमाल कर रहे थे तो उनकी समझ में आना चाहिए कि घुसपैठी घुसपैठी सम्मान मंच को विराजित सभी सम्मानीय और आप सभी महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध बहुजन राजा राजा शिव छत्रपति स्त्री उद्धार क्रांतिबा ज्योतिबा फुले आरक्षक जनक छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज, इस आरक्षण की नींव जिन्होंने रखी और इस आरक्षण को जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम में रखा, ऐसे विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मनोरंजन के माध्यम से प्रबोधन और प्रबोधन से परिवर्तन, यह नई धारा रखने वाले सत्य शोधक कॉमरेड अन्ना भाव साठे, आदिवासियों के राजा राजा उमाजी नाई बिरसा मुंडा तंत्या भिल्ल माँ सावित्री माँ रमाई माँ जिदाई फातिमा अभिषेक, इन सभी आदर्शों को नमन करते हुए मंच पर जिनका बहुत ही सुलझा हुआ, मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगी आदरणीय राम पुनियानी सर को कि सर हम आपके स्टूडेंट हैं, आपको फॉलो करते हैं, यूं कहिए एक लवे जैसे हम फॉलो करते हैं कि आपको मिले नहीं है पर आपको सुन सुन कर हम सीखने की कोशिश करते हैं। मुझे यहाँ पर बुलाने वाले मेरे अजीज बड़े भाई आयुष्मान अबू आजमी साहब, मेरे साथ यहाँ पर पधारे हुए गणराज्य संघ के आयुष्मान गुलाब जी भादेरा, हमारे भाई महबूब भाई शेख ऋषिकेश सवान रविराज गुप्ते, हमारे भाई नवी मुंबई से आए आकाश जी और उनके सभी साथी और आप सभी भाइयों और बहन। वैसे आपने काफी सुना है, बहुत देर से आप बैठे हो और आप कितना सुने उसका भी कुछ लिमिट है, उसके भी कुछ एक मर्यादा है। इतने सारे वक्ताओं को सुना है तो मुझे सुनने के लिए आपके पास कितना और ज्यादा आपके बर्दाश्त की हद है वो मेरी समझ में नहीं आ रही। तो जहाँ कहीं भी मुझे ऐसे लगेगा कि आपके माथे पे थोड़ी सी एक सिकुड़न सी है, एक सिलवट सी है, मैं अपना बोलना रोक दूंगी। मैं आज शिवाजी महाराज जी के जयंती के अवसर पर यहाँ पर पधारी हूँ। राजा शिवाजी के बारे में बहुत सारे लोगों ने अपनी बातें रखी, हमारे पहले के वक्ता आदरणीय पुनियानी सर ने अपनी बहुत अच्छी बात रखी है, मैं उनको दोहराना नहीं चाहूंगी और उसमें वक्त भी नहीं गवाऊंगी क्योंकि उसी लाइन को बस आगे कंटिन्यू करना चाहूंगी कि सर ने अपनी बात जो राजा शिवाजी से लेकर किस तरह से हिंदू मुस्लिमों के बीच में एक दरार पैदा करने की कोशिश यहाँ की गंदी सियासत ने की, उसके आगे जाकर किस तरह से यहाँ पर हिंदू मुस्लिम में एक रंजिश बनती रहे, इस पर वह बार बार कोशिश करते रहे और अब बात यहाँ तक आ चुकी है कि जिस मनुस्मृति को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जलाया था वही मनुस्मृति वह फिर एक बार हमें पुनर्स्थापित करना चाहते हैं और उसी आधार पर अब एक नया कानून लाया जा रहा है जो है CAA और NRC। मैं बस CAA के बारे में थोड़ी सी बात रखूंगी और बात खत्म करूंगी। भाइयों और बहनों, दिल्ली के शाहीन बाग में हमारी जो बहनें वहां पर बैठी है उन बहनों की हौसला अफजाई के लिए आज की तारीख में पूरे भारत के अंदर करीब करीब 200 से भी ज्यादा शाहीन बाग खुले हुए हैं और इन 200 शाहीन बागों से मैं आज जो यहां पर बात कर रही हूं ये मेरे लिए 54
मीडिया इस फिराक में है। हालांकि यहाँ कुछ मीडिया मेरे सामने दिख रहा है, आई डोंट नो कि वो किस किस चैनल से आए हैं, पर फिर भी हम कहना चाहेंगे कि मीडिया इस फिराक में है कि समूचे आंदोलन को वो हिंदू बना मुसलमान ऐसा कलर कर सके। वो उसे पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आंदोलन दो मजहबों के बीच का आंदोलन है। मैं सिर्फ यहाँ यह बताने आई हूँ कि ये लड़ाई कोई हिंदू बना मुसलमान की लड़ाई नहीं है। अगर ये लड़ाई है तो ये लड़ाई इस देश के 130 करोड़ आबादी, इस देश की 130 करोड़ आबादी बनाम मोदी शाह की लड़ाई है। अगर ये लड़ाई है तो मनुवाद बनाम संविधानवाद की लड़ाई है। अगर ये लड़ाई है तो ब्राह्मणवाद के खिलाफ समूचे भारतीयों की लड़ाई है। अब इस लड़ाई को बार बार वो लोग कह रहे हैं कि अरे देखो उन्होंने एक नई वस्त्रोलॉजी लाई है और वस्त्रोलॉजी के आधार पर मिस्टर मोदी और मिस्टर शाह वो हैं कि इनके कपड़ों से पहचाना जा सकता है कि ये कौन से धर्म के लोग हैं, इनके कपड़ों से पहचाना जा सकता है कि ये कौन से लोग हैं जो सीएए की खिलाफत कर रहे हैं। मियां मोदी जी क्या बात कर रहे हैं, आपकी समझ में कपड़ों से आ रहा है कि हम कौन से कपड़े पहन रहे हैं, इससे आपको मजहब का गुआ आ रही है। अरे पर हम जो कपड़े पहनते हैं वो कपड़े तो कोई भी धर्म का इंसान पहनता है। हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर नेहरू, वो भी ऐसा कुर्ता पाजामा पहना करते थे, पर क्या इसका मतलब ये होता है कि ऐसे कपड़े पहनने वाला पर्टिकुलर मुसलमान होता है? और जो लोग बोल रहे हैं कि मुसलमान धर्म के नाम पर आ रहे हैं या मुसलमान धर्म के मजहब की ढाल बनाकर आ रहे हैं, ऐसे मोदी शाह के जो लावारिस भक्त है ना, ये सारे के सारे लावारिस भक्त जो सोशल मीडिया पर बिखरे पड़े हैं, 40 पैसे के हिसाब से मैसेज स्प्रेड करते हैं, औकात जितनी है उतनी अपने औकात के हिसाब से, ये 40 पैसे के हिसाब से मैसेज स्प्रेड करने वाले लोग, ये लोग बोल रहे हैं कि मुसलमान मजहबी और कौमी लड़ाई लड़ रहा है। हम आपको बता दें भाई और बहनों कि अगर मुसलमान को कौमी लड़ाई लड़नी होती, क्या यार कोई बात नहीं सर, को एक और प्रोग्राम में शिरकत करनी है इसलिए वह अभी जा रहे हैं, हम अपनी तकरीर शुरू रखते हैं। अगर मुसलमान यहाँ पर कौमी लड़ाई लड़ता, अगर मजहब के नाम पे मुसलमान यहाँ पर लड़ाई लड़ता, तो आप सोचिए जब इस देश में मंदिर मस्जिद की बात चल रही थी, जब इस देश में मंदिर और मस्जिद के नाम पर दंगे फसाद हो रहे थे, मुसलमान तब रस्ते पर आ सकता था, पर मुसलमान कभी रस्ते पर नहीं आया। अगर यहाँ पर कौमी लड़ाई ही लड़नी होती तो जब कोर्ट का फैसला सुनाया गया और कोर्ट के फैसले ने कहा कि कोर्ट का फैसला होने तक उसके पहले एक दिन, उसके बाद का एक दिन, फैसला सुनाने वाला दिन, 3 दिन सारा मीडिया बंद रहेगा, मुसलमान चुपचाप फॉलो करते रहे, उन्होंने कौमी बात नहीं की, ना किसी कौमी बात को लेकर वह रास्तों पर उतर आए। हमने मंदिर मस्जिद का जो भी फैसला हुआ वो कबूल कर लिया, हम कुछ नहीं बोले। अगर बात कौम की या बात मजहब की होती तो जब उन्होंने लव जिहाद पर बहस छेड़ दी थी हम कुछ बोल पड़ते, पर हम चुप रहे। हम लव जिहाद पर हमने उफ तक नहीं किया। लावारिस भक्त कितनी ही बातें बनाते रहे, पर यहाँ का मुसलमान अमन पसंद था, वो शांत रहा, वो बात न कर सका। अगर बात मजहब की और कौम की होती तो जब ट्रिपल तलाक पर बात चलने लगी थी, ट्रिपल तलाक पर जब वो गंदी सियासत करने लगे थे, मुसलमान तब भी मोर्चे निकाल सकते थे और धरने कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ट्रिपल तलाक का कानून यहाँ पर बना और मुसलमानों ने कबूल किया, कुछ बात नहीं थी क्योंकि बात कौम की नहीं थी। अगर
370 की बात आई तो मुसलमान उस पर बात कर सकते थे, पर मुसलमानों ने कोई मोर्चा नहीं निकाला, कोई धरना नहीं किया, कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। 370 को भी मुसलमानों ने कबूल कर लिया। लेकिन आज जब इतनी सारी तादाद में यहाँ हमारी बहनें हमारे भाई रास्तों पर निकल आए हैं, ये कौम के लिए नहीं, ये मजहब के लिए नहीं, आज जब असल में लग रहा है कि इस देश का संविधान खतरे में है, तब तब मुसलमान जाके यहाँ रास्तों पर उतर आए। हम कोई मजहब खतरे में है करके रास्तों पर नहीं है। हमें लगता है कि ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। अगर कोई खतरे में है तो वो इस देश का संविधान खतरे में है, और वो संविधान बचाने के लिए हम आए हैं। हम क्यों रास्तों पर उमड़ आए हैं? क्योंकि जब वो बता रहे हैं कि यहाँ पर बाहरी मुल्क का अगर कोई आता है तो बाहरी मुल्क का आने वाला कोई भी शख्स जो 6 साल से यहाँ पर रह रहा है, हम उसे इस देश का शहरियत होने का हक अदा करेंगे, पर किसे? हिंदू, बौद्ध, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, इन सब को दे सकते हैं, जैन को दे सकते हैं, पारसी को भी, खाली मुसलमान छोड़कर। जब वो खाली मुसलमान छोड़कर बोल रहे हैं, इसका मतलब वो आर्टिकल 14 को नकार रहे हैं। बिकॉज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 14 एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ। दफा 14 के तहत अगर कानून के सामने सब एक जैसे हैं, तो इस देश का गवर्नमेंट ये नहीं बोल सकता कि मुसलमान को छोड़ के हम ये बना रहे हैं। ये उनको बोलने का अधिकार नहीं है। अगर आर्टिकल 15 और 16 कह रहा है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड इक्वल स्टेटस दिया जाएगा, तो वो इक्वल अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं दी जाती, इसके बारे में सवाल पूछने का हक यहाँ के मुसलमानों को है। लेकिन क्या हो रहा है भाइयों, हम जितना आंदोलन का टेम्पो मेंटेन किए जा रहे हैं, एक शाही बाग दिल्ली में खुला, दिल्ली की हमारे बहनों की हौसला अफजाई के लिए गांव गांव में शाहीन बाग खुलने लगे, तभी महाराष्ट्र के अंदर कुछ पेड़ और कुछ सुपारीवाद नेता भी तैयार होने लगे, और फिर सुपारीवाद नेता सीए के खिलाफत करने वाले लोगों को ही देशद्रोहियों का करार देने के लिए आमादा हो गए, और फिर वो बोलने लगे, अरे आम्ही फक्त सीए च्या समर्थनार्थ मोर्चे काढत आहोत। आप सोचिए, एक तरफ तो सीए के खिलाफ इतने सारे लोग बोल रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं कि सीए के खिलाफ खाली एक धर्म के लोग हैं, आप थोड़ा आपके जहन पर जरा जोर डालेंगे तो समझ में आएगा, कन्हैया कुमार मुसलमान नहीं है, जिग्नेश मेवानी मुसलमान नहीं है, सुषमा अंधारे मुसलमान नहीं है, हम सारे गार मुस्लिम हैं। हम गार मुस्लिम होने के बावजूद अगर सीएए की खिलाफत कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि ये कानून खाली मुसलमानों को नहीं बल्कि इस देश के हिंदुओं को भी उतना ही आहत करता है। यह इस देश के आदिवासियों को, घुमंतुओं को भी आहत करता है, क्योंकि कानून कह रहा है कि 1970 के पहले के आपके बर्थ सर्टिफिकेट आपको जमा करने होंगे। है हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट? टेक्निकल बात सोचिए, ये 15-20 साल में डिलीवरी अस्पतालों में होने लगे और बर्थ सर्टिफिकेट मिलने लगे। 20 साल के पहले जो डिलीवरी घर में होती थी, बच्चे घर पर पैदा होते थे, कहां से बर्थ सर्टिफिकेट लाएंगे उनका? कल को अगर हम मोदी को भी पूछेंगे ना, मिस्टर मोदी बाकी सबका छोड़िए, आपकी अम्मा का तनिक बर्थ सर्टिफिकेट दिखाइए, तो क्या वो दिखा पाएंगे? अरे वो खुद का डिग्री सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाए हैं, जो हाल ही में बना होगा, 70 के बाद बना होगा, वो डिग्री सर्टिफिकेट नहीं दिखा रहे, बर्थ सर्टिफिकेट कैसे दिखा पाएंगे? और हमें बोल रहे हैं
हमें कागज दिखाने की बात कर रहे हैं, हम कागज दिखाएंगे भी। फिर वो बोलते हैं कि हम देशद्रोही है। हम देशद्रोही है क्यों? तो बोल रहे हैं कि आप वंदे मातरम नहीं बोल रहे हो। अब आप सुनिए, वंदे मातरम बोलना और देशभक्त होना दो चीजें बिल्कुल अलग चीजें हैं। हम वंदे मातरम बोलेंगे, कितनी ही बार बोलेंगे, बोलने में कोई हर्ज नहीं है। पर अगर वंदे मातरम के मायने मुझे मेरी माँ से प्यार है ऐसे होते हैं, तो मुझे मेरी माँ से प्यार है ये मुझे आपको बताने की क्या जरूरत है? ये मेरा दिल एहसास है, ये दिल एहसास मेरी माँ महसूस कर सकती है। उसे मुझे भरे बाजार बताने की जरूरत नहीं है कि यस आई लव यू मामा, मामा नो इट वेरी वेल, शी नोज दैट आई लव हर। मैं उसे प्यार ही करती हूँ। और प्यार मोहब्बत एक एहसास है, वो लफ्जों से बयां नहीं किया जाता, वो महसूस किया जाता है। ये पर मोदी को कैसे पता चलेगा? जो हर चीज का व्यापार करने बैठे गुच्छू भाई है, ये गुच्छू भाई को नहीं पता चलेगा। ये हर चीज का व्यापार करते हैं, हर चीज का इश्तिहार करने की इन्हें आदत जो लगी है, इश्तिहारबाजी के होड़ में लगे मिस्टर मोदी हमें देशभक्ति का प्रमाण मांगते हैं। मिस्टर मोदी को बताना पड़ेगा, अरे मोदी मोदी जी, आप बड़े इश्तिहारबाजी करते हो, बड़े चमकोर टाइप के हो, बड़े चमकोर टाइप के आप इश्तिहारबाजी करते हो और देशभक्ति का स्वांग रचाते हुए आप पार्लियामेंट में जब पहला कदम रख रहे थे, तब आपने पार्लियामेंट में ऐसे सर झुकाकर माथा टेक कर मीडिया को ये दिखाया कि देखिए पार्लियामेंट में जाने से पहले मैंने इस सरजमीन को चूमा है। सी हाउ वी आर पैट्रियट पीपल, हम कितने देशभक्त और वतन परस्त हैं कि हमने माथा टेका। मिस्टर मोदी, अगर एक बार माथा टेक कर आप वतन परस्त खुद को साबित करने की फिराक में हो, तो आप जान लीजिए कि इस देश का मुसलमान दिन में 5 बार माथा टेकता है। इश्तिहारबाजी किसे बता रहे हो तुम? ये नाटक किसे दिखा रहे हो? मिस्टर मोदी, वतन परस्ती का पाठ हमें मत सिखाइए। हम वो है जो अशफाक उल्लाह खान से अपने ताल्लुकात रखते हैं। हम वो है जो हजरत टीपू सुल्तान के तलवार से अपने ताल्लुकात रखते हैं। कौन लोग हमें बता रहे हो वतन परस्ती क्या होती है? कौन बता रहा है वतन परस्ती का पाठ? अरे कोई अच्छा भी बताए तो हम मान लेते हैं, कोई सलीके का कोई पढ़ा लिखा सुलझा हुआ भी बताए तो हम मान लेंगे, और एक बार तड़ी पार गुंडे अगर हमें बताने लगे तो हम कैसे हमें कोई अगर कोई गोधरा हत्याकांड का हत्यारा बताने लगे तो हम कैसे मानेंगे? मिस्टर मोदी, हमें तो शक है कि पुलवामा का अटैक हुआ नहीं। इन सारी बातों को लेकर यहाँ एक सुपारीबाज नेता तैयार हुए हैं। अब उनका नाम इतना याद नहीं है मुझे, कुछ तो है वो अच्छे मिमिक्री आर्टिस्ट है, कैसे नाक पहुंचते वगैरह बात करते हैं। अब यहाँ कोई इंजन वगैरह कुछ तो निशाने है। आजकल नागपुर के रेशिंग बाग से डीजल भरा जाता है उनके इंजन में, तो ये जो रेशिंग बाग से डीजल भरने वाला जो इंजन है, हाँ इसका है क्यों? नहीं नहीं भैया, अरे जिनकी राजनीति खत्म हुई उनका नाम लेके उनको बड़ा नहीं करते। अब क्या है ना कि उन्होंने ये कुछ प्रोग्राम लिए, वो इंजन वाले मामू
और इंजन वाले मामू ने प्रोग्राम लेके बोला 24 मिनट का भाषण करे, और 24 मिनट के भाषण में पहले 11 मिनट खाली पाकिस्तान पे खर्च किए। और क्या बोला उन्होंने, उन्होंने कहा कि ये जो सारे आतंकवादी हैं, इन आतंकवादियों को पाकिस्तान आसरा देता है, ये जो सारे दहशतगर्दी हैं इनको पाकिस्तान आसरा देता है, ये जो 92 का जो बम विस्फोट हुए थे, इन बम विस्फोट में जो जिम्मेदार आतंकवादी है उनको पाकिस्तान आसरा देता है, ये जो अमेरिका में जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन गिरा इनको भी पाकिस्तान ने आसरा दिया, हमें इनको खदेड़ देना चाहिए। चलो मान लिया, मान लिया कि राज भैया, मान लिया कि इन सारों को पाकिस्तान ने आसरा दिया। अरे पर तुम भारत में भाषण कर रहे हो तो पाकिस्तान की बात इधर क्यों कर रहे हो? अरे तुम्हें दम है मियां, तो उधर जाओ, वो उधर जाके पाकिस्तान में बात करो। नहीं, पाकिस्तान में बात करने कोई बात नहीं, तुम तुम्हारे 300 MP चुन के लाओ, पार्लियामेंट में बैठो, उधर बात करो तो लोग सुनेंगे ना, इधर सुपारी लेके बात करेंगे तो कैसे सुनेंगे? क्या बोल रहे थे वो कि पाकिस्तान आसरा देता है, पाकिस्तान आसरा देता है। राज भैया, आसरा पाकिस्तान ने दिया, भारत की किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दिया, भारत के नेतागण ने नहीं दिया, जो भी बम विस्फोट करने वाले थे। लेकिन जब घुसपैठी 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 शब्द बार बार इंजन वाले मामू इस्तेमाल कर रहे थे, तो उनकी समझ में आना चाहिए कि घुसपैठी घुसपैठी होता है, चाहे वो बाहर के इलाके से अंदर आए या किसी प्रोग्राम में भी बुलाए शिरकत करे, वो घुसपैठी ही होता है। और अगर ये डेफिनेशन घुसपैठी का है तो राज भैया, दिल्ली के शाहीन बाग में बुर्खा पहन कर जो गुंजा कपूर आई, उस घुसपैठी के बारे में आपका क्या कहना? उसके बारे में तो आपने चुप्पी साध ली, उसके बारे में तो आपने कुछ भी बात नहीं की, फिर कहने लगे कि आसरा दिया आसरा दिया। अरे हमारा छोड़िए, हम तो कहीं भी नहीं है, सियासत करने वाले लोग कोई और है, हम तो इस देश के आम शहरी है, पर अगर आसरा देने की ही बात है ना, वो तो छोड़िए, पाकिस्तान ने आसरा दिया होगा जिन्होंने बम विस्फोट किए, पर हम आपको कुछ उदाहरण देते हैं राज भैया, जिनके बारे में आपके होठ सिले हैं, हिम्मत है तो उनके नाम लेके देखिए कि मालेगांव की मस्जिद में जिस यहाँ बम विस्फोट हुआ, उस बम विस्फोट में जिम्मेदार प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित, इनको आसरा किसने दिया? इनको आसरा तो बीजेपी ने दिया ना, ना सिर्फ आसरा दिया बल्कि चुन के लाया, टिकट दिया, चुनाव लड़ाया, चुनाव में जीत हासिल की। जो प्रज्ञा ठाकुर हमारे लिए शहादत देने वाले हमारे शहीद करकरे साहब के बारे में अच्छी बात करती है, आपने आपने उसे डिफेंस की कमेटी पे बिठाया। राज ठाकरे, क्या आपके होठ सिले हुए थे? हाँ, आप इसके बारे में कुछ भी बात नहीं कर रहे हो, बोलते नहीं हो इसके बारे में कुछ, तो हमारी समझ में नहीं आता कि तुम्हारा क्या चल रहा है, सो हमारी समझ में आता ही नहीं कि क्या बात कर रहे हो। फिर राज ठाकरे बोले, मैं खाली आता है होता साठी इकडे आलेलो आहे की मला मोर्चाचा उत्तर मोर्चाने द्यायचा आहे, आणि मी आता सांगायला आलोय की दगडाला उत्तर दगडाने देऊ, दे दे आमच काय? अरे बाबा, एक बात सुन लो, हमने मराठी में एक पोयम थी, हम फोर्थ में पढ़ते थे, पोयम कुछ ऐसी थी, एक तुतारी ध्यान जानुरी फुंकी नदी में स्वप्राणा, तुतारी तुतारी माने शहनाई बड़ी सी, कि मुझे एक शहनाई ला कर दो, मैं वो बड़ी चार लगा कर मैं वो बजाऊंगा। हमारे मन में सवाल आता कि लिखा था किसी शेंडी वाले ने, तो हमारे मन में सवाल आता, अरे तुझे बजानी है ना तो तू खुद ला, हम क्यों ला के दे तुझे, तुझे बजानी है तू ला। राज भैया,
इतना शौक है ना आपको, तो एक तलवार अपने हाथ में लीजिए और दूसरी तलवार अमित ठाकरे के हाथ में दीजिए। जब अपनों का खून गिरता है तो समझ में आता है दर्द क्या चीज है। ये बहुजन बच्चों के दिमाग को भड़काना बंद कीजिए। ये बहुजनों के बच्चों के हाथ में हमें तलवार नहीं, पढ़ाई लिखाई की कलम चाहिए। जब कलम हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने थाम दी थी, हम उस कलम के पुजारी हैं। हमें तलवारबाजी का शौक नहीं है। हम शाहीन बाग में बड़े अहिंसा से आंदोलन कर रहे हैं, पर ये जो आपके बौखलाहट है ना मिस्टर राज, ये बौखलाहट बता रही है कि अहिंसा पे चलने वाला आंदोलन आपको हिला कर रख रहा है। आपकी जड़ें हिल गई है। वैसे आपका कुछ नहीं जाता मियां, छोड़िए आप सुपारी बात हो, लेकिन आपने जिस आपके आलम पना की सुपारी ले रखी है, मैं जरा उनकी हाजिरी ले लू। क्योंकि बात मेरे बाप ने लिखे संविधान की है। अगर मेरे बाप ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश का संविधान लिखा है और उस संविधान को तोड़ मरोड़ने की कोशिश यहाँ की मनुस्मृति मानने वाली ताकत कर रही है, तो मुझे चाहिए कि मैं उनका सूद समेत पूरा हिसाब करूं, पूरा हिसाब। क्या बोल रहे मोदी? मोदी और शाह बोल रहे हैं कि ये सीएए का जो कानून है इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है, एनपीआर से डरने की जरूरत नहीं है। भाइयों जरा समझ लीजिए, एनपीआर ही सीएए की पहली सीढ़ी है। एनपीआर में सस्पेक्टेड ढूंढे जाएंगे, सस्पेक्टेड लोगों का चयन किया जाएगा, एनपीआर के बाद एनआरसी होगा। आप एनपीआर और एनआरसी अलग है ये मत सोचिए। अगर आपको गवर्नमेंट बता रही है कि सेंसस तो हर बार होता है, तो सेंसस के लिए आप क्यों नकार रहे हो, तो जवाब दीजिए कि यहाँ सेंसस 2021 में होने वाला है, आप 20 में क्यों शुरुआत कर रहे हो। 5 मिनट का आपसे वक्त लूंगी और अपनी बात खत्म करूंगी। मैं बस इतना कह रही थी कि जो बीजेपी बार बार हमें बताए जा रही है कि वो कितने वतन परस्त है, आप सोचिए कि देश का मतलब सिर्फ पत्थर नहीं होते, सिर्फ देश की मिट्टी, देश के पत्थर, देश की नदी, देश के पेड़ पौधे, देश के ऊंचे ऊंचे पर्वत, इनके साथ और एक बात अहम है कि इस देश के जीते जागते इंसान, इन इंसानों के बारे में बीजेपी अपनी क्या सोच रखती है वो भी अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारी समझ में आएगा कि ये लोग कितने डुप्लीकेट लोग हैं। कि इसी मुंबई में कोई रामकदम नाम का बंदा बोलता है कि अरे जो भी लड़की आपको पसंद है आप मुझे बस इशारा कीजिए, मैं वो लड़की उठा के आपके सामने लाऊंगा। क्या हमने इस देश में, हमने इस महाराष्ट्र में हमारे लिए एमएलए चुने हैं या किडनैपर गुंडे चुने हैं? ये किस तरह के लोग हैं कि जिन लोगों को अपना काम क्या है, अपनी जिम्मेदारी क्या है ये तक पता नहीं है? इनके जितने भी एमएलए हैं, इनका बात करने का अगर सलीका देखा, इनकी अगर ये तमीज देखी, तो हमारी समझ में आता है कि ये लोग खाली लोगों को उकसाना चाहते हैं, लोगों को इमोशनल बनाते हैं, लोगों को बस एक दूसरे के खिलाफ लड़ाते रहते हैं। हम बस आपको इतना समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी की पहले से एक एक कोशिश रही है, वो एक ट्रिपल फॉर्मूले के तहत चल रही है। डिवाइड कीजिए, डाइवर्ट कीजिए और डराते रहिए। वो हर मुद्दे पर यहाँ पर आपको जात और मजहब के नाम पर डिवाइड करते रहते हैं, फिर वो मुद्दों को डाइवर्ट करते हैं। जैसे कि अब महाराष्ट्र के अंदर जानबूझकर आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर, बजाय सीएए और एनआरसी की चर्चा होने के, इंदुलेकर महाराज, उनका कीर्तन, उनका प्रवचन, इन सारे मुद्दों को लेकर भाषणों को डाइवर्ट करने की, इश्यूज को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। और तीसरा, ये डराने की कोशिश करते हैं, ये हर बार लोगों को डरा धमका कर रखते हैं। जैसे कि अगर मैं कहीं पर भाषण के लिए जाऊं
तो पहले तो वो मुझे 144 का नोटिस देंगे, फिर वो बताएंगे रंग सावला सशक्त बांधा मध्यम ऊंची केस कुरले पोशाक साड़ी। अगर इस ये सारा जो भी जिसका डिस्क्रिप्शन है, ऐसी कोई शख्सियत आपके यहाँ तकरीर के लिए आए तो उसका भाषण रिकॉर्ड कीजिए। अगर आपने उसका वीडियो रिकॉर्ड नहीं बनाया तो ऑडियो रिकॉर्ड बनाइए, ऑडियो रिकॉर्ड नहीं बनाया तो ड्राफ्ट कीजिए, पर उसका भाषण आप हमें भेजिए। आईवी के लोग, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग इतने इतने ज्यादा पीछे क्यों पड़ जाते हैं? तो आप याद रखिए, ये एक दो मुद्दे को डिवाइड कर रहे हैं, हमें डिवाइड करना है इनको सीएए के नाम पर। दूसरा, विकास के मुद्दे से हमें डाइवर्ट करना है। और तीसरा, जब अगर मैं या कोई भी इस पर बात करते रहे तो ये डराने की कोशिश करते हैं। हम बार बार बोल रहे हैं, कुछ लोग हमारे वीडियोस के नीचे, हमारे फेसबुक के इनबॉक्स में आकर ट्विटर पर ट्रोल करते हुए ये बताने की बार बार कोशिश कर रहे हैं कि तू तो अकेली घूमती है, तुझे तो हम कहीं भी देख लेंगे। वो बार बार हम फिर एक बार इस मंच से, इस तकरीर के दौरान ये उन सारे लावारिस भक्तों को बताना चाहेंगे, हाँ हम बिल्कुल अकेले घूमते हैं, लेकिन शायद लावारिस भक्तों को पता नहीं है कि झुंड में भेड़िए आते हैं, शेर अक्सर अकेले। तो हमें इनसे कोई इतनी परेशानी होने की बात नहीं, इतनी बार उन्होंने हमले किए हैं, इतनी बार सही सलामत बाहर आई हूँ, क्योंकि मेरा खुद का इस बात में यकीन है कि नौ नजाने कम दुआ में याद रखता है कि जितनी बार गिरती हो कोई तिनका बनकर फिर सहारा लेकर बाहर निकाल आता है। तो हम इससे किसी से भी डरने वालों में से नहीं है, ना किसी के बात से, किसी की धमकी से, ना हमारी आवाज दबने वाली है। जो लोग बोल रहे हैं कि अरे, एक तरफ तो बोल रहे हैं कि ये लड़ाई, इस लड़ाई से हम खाली मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं, ऐसा मत सोचिए, ऐसे बीजेपी बोलती है, और दूसरी तरफ ट्रोल करते हुए वो हमको बता रहे हैं कि तुम तो मुसलमान नहीं हो, फिर तुम किस लिए इतनी सारी बातें कर रही हो? अगर मैं मुसलमान नहीं हूँ इसका मतलब मैं चुप बैठूं? यानी कि आप खाली मुसलमान को परेशान कर रहे हो, यानी कि आप मुसलमान को टारगेट किए जा रहे हो? वो खुद खुद की बात को कॉन्ट्राडिक्ट किए जा रहे हैं। हम आप सभी से चाहेंगे कि ये लड़ाई सिर्फ एक जाति और मजहब तक ना सीमित रहकर, बल्कि ये जाति यहाँ के उस हर एक तबके में जानी चाहिए। हमें यह हमें चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारे उस हर एक जाति के मजहब के भाई को समझाएं कि अगर संविधान को बचाना है तो आए हमारा साथ दे। इस लड़ाई में हम सब एक साथ रहकर लड़ेंगे तो इंशाल्लाह जीत हमारी होगी और हम जीतेंगे। हम अपनी बात खत्म करते हुए बस फिर एक बार आप सब से एक जोर से आवाज चाहेंगे, अरे आवाज दो, अरे आवाज दो। थैंक यू सो मच। जय ज्योति, जय भीम, जय शाहू, जय जिला। आज या कार्यक्रमाचा आयोजक सन्माननीय कार्य सम्राट आमदार अबू आजमी साहेबांना निवेदन करतो की त्यांनी दोन शब्द आम्हाला सांगले। रेडियो बा रेडियो, सुस्ता अंदर मना आमचा आहे श्री छत्रपती यांची ट्रॉफी देऊन आम्ही गौरवांना देत आहे। काय तर जोरदार स्वागत झालं पाहिजे।